गाइस हम निकलते हैं और एक अच्छा सा चीज दिखाएंगे, बहुत बेहतरीन प्लेस। उस प्लेस का नाम है टाइक। ये जो देखने वाले हो, ये देखने के बाद तुम भी बोलोगे वाह क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए यार डाइक में चलते हैं और डाइक का नजारा दिखाते हैं यार। तो ये है दोस्तों ओल्ड शिवा मंदिर, पानी के अंदर है, बहुत ही पुराना है। बाइक दिखने को मिलेगा। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Y más, allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, allá. A través de la gran oscuridad, यार भाई लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सुसु वसु कर लेते हैं। ये तो साला सुसु करने ही लग गया है, रोड में ही करने लग गया। क्या बात है सर। दोस्त को कॉल करते हैं यार, क्या हुआ है क्या नहीं, थोड़ा अपडेट लेते हैं क्या हुआ। चलिए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं डाइक। आप लोग देख पा रहे भाई पूरा सुंदर सा नजारा। और भाई एक बात बताऊं, ये हमारे लिए नहीं बना है भाई, मगर क्यों, बहुत सारे कपल लोग आते हैं यहाँ पर। अपना मूड खराब कर दिया बस, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा राइट साइड। थोड़ा सा गांव है, कौन सा गांव है लेकिन मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा मालूम होता तो भी क्या कर लेते, कीड़े ना मेरा ससुर घर है। वाह यार वाह, मैं वीडियो बनाया भाई, वीडियो क्लिक ही नहीं हुआ। मैं उस टाइम से चिल्लाते जा रहा हूँ, वीडियो ही नहीं बना साला। यहाँ पर एक्चुअली पिकनिक भी बहुत सारे करते हैं, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर पिकनिक चल रहा है। और मजा से मैं भी एक बार आया था लेकिन उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं करता था, ब्लॉग करता हूँ क्या ही कर लेता हूँ। यार राजा जी मैं पहुँचा था एक सुंदर सा नजारे पास, और मेरे साथ है आप लोग देख पा रहे होगे भाई, और ये नजारे के साथ एंजॉय ना करो तो क्या है भाई। वाह कितना सुंदर नजारा है ना, वाह मेडिकल समझते हो भाई, सिनेमैटिक दिखाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को जल्दी जाना है और वहाँ पर फॉर्म सबमिट करना है। एक्चुअली मेरा कॉलेज में काम है, फॉर्म सबमिट करना है और इसके बाद आ जाना है। ओके लेकिन ये मेरे को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म सबमिट करना है। मैं इसलिए हेलमेट पहना हूँ, इसलिए मेरा बाल का माँ बहन हो चुका है और चेकिंग जल्दी यार गाइस, ये साला झूठ बोल रहा है उसका गर्लफ्रेंड। और चलिए चलते हैं और आगे का नजारा दिखाते हैं। मेरे को बहुत सारे घूर घूर के देख रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं भाई, ब्लॉगिंग के लिए इतना ही करना बनता है। तो यार दोस्तों हम हीराकुद पहुंचने वाले हैं, बहुत पास आ चुके हैं हीराकुद के। अच्छा बात नहीं है, पहुंच चुके हैं हीराकुद में।
थोड़ा नून क्या मुंह है तो इधर निकल रहा है और हिंदी थोड़ा सा नहीं आता है ना, इसलिए एक एक मंदिर है सर। हम पहुंचे हैं हीराकुद का छोटा सा मार्केट में, रिटर्न चेक इट आउट बॉयज। हमें जाना है यहाँ से स्टेट स्टेट जाना है तो कॉलेज में एंटर कर जाएंगे। ओके, राइट से सीधा सीधा जाएंगे कॉलेज, पहुँचे जाएंगे रूम। फील है ये फील देखिए, यहाँ से मेरे को जाना है राइट साइड की तरफ, मेरे को कॉलेज की तरफ जाना है। ऑटो स्टैंड, एक्चुअली ऑटो स्टैंड है, यहाँ से तुम्हें राइट जाना है और स्टेट जाने के बाद तुम्हें देखने को मिलेगा कॉलेज की तरफ। ओके, तो भाई यहाँ पर तो बहुत सारे दुकान आ चुके हैं। मैं जब यहाँ पर कॉलेज करता था यहाँ पर बहुत सारे नहीं होता था, लेकिन अब जाके बहुत सारे शॉप खुल चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देखिए। देखिए साईं बाबा का टेम्पल है, यहाँ से सीधा डायरेक्ट स्टेट जाना है क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि हमको जाना है कॉलेज की तरफ। और यहाँ पर बस वगैरह रहता है क्योंकि ऐसे भुवनेश्वर कटक इस तरह के जगह में जाने के लिए यहाँ पर पहले से बुकिंग करना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सा एक चौक मिलेगा, राइट साइड जाओगे तो तुम मीनार देखने को मिलेगा बोलते हैं। बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं यहाँ पर। राइट साइड जाओगे तो पार्क की तरफ और स्ट्रेट जाओगे तो तुमको कॉलेज देखने को मिलेगा। ओके, तो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि रास्ते दिखाने से अगर कोई बहुत सारे दूर दूर से ऋतिक, ओ भाई और ऋतिक मिल चुके हैं हमारा ऋतिक भाई। और यहाँ से तुम्हें बिल्कुल भी इधर उधर जाना नहीं है, सीधा के सीधा जाना है। ओके, मैं वो दिख रहा है बिना, ये है गुजाता भाई, मंदिर भी है तो मंदिर यहाँ पर रह जाता है। ये पास आ चुके हैं भाई कॉलेज के पास, तो यार बॉयज फाइनली हम पहुँच चुके हैं कॉलेज में। ये आई टी है तो। तो यार बॉयस हम लोग पहुंच चुके हैं आई लव संबलपुर में और इधर चेक दैट आउट बॉयस, ये है आई लव संबलपुर। ये संबलपुर का रोड है और नजारा। तो यार बॉयस सारा के सारा काम खत्म करके हम निकल चुके हैं। भाई काम होने के बाद बहुत सुकून ही मिलता है। मेरे को आंटी जी देखे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, कोई बात नहीं आंटी देखे तो बहुत मजा आता है। क्या मक्खन रोड है भाई। तो यार भाई लोग हम पहुंचे थे डाइक पर और ये नजारा चेक करो बॉयस, कितना सुंदर सा नजारा है। और हम थोड़ा बहुत यहाँ पर एंजॉय करते हैं यार, हम स्प्राइट ब्राइट लेके आए हैं और थोड़ा दादू के साथ इंजॉयमेंट करते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं और मिलते हैं यार आप लोगों को। सुबह से यहाँ वहाँ घूम घाम के आए हैं, दिल समझ सकते हो तुम लोग। यार दोस्तों थोड़ा बहुत हमने एंजॉय कर लिया, चलिए यहाँ से निकलते हैं। ओके, और एक बार लास्ट टाइम देख लो ये सुंदर सा नजारा। ओके बाय बाय, चलो यहाँ बाय बाय दोस्त।
नेक्स्ट ईयर तुम्हें जरूर करना है। मिलते हैं कभी नेक्स्ट ईयर में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, जाना बाय बाय।